देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू। sec x इक्वल टू टू दिया है, इसका अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम देखें sec x इक्वल टू sec के किस एंगल की वैल्यू टू होती है, sec के किस एंगल की वैल्यू टू होती है, तो आप जान सकते हो कि sec 60 की वैल्यू टू होती है, sec 60 की वैल्यू टू होती है। और sec 60 को अगर पाई में लिखें तो sec पाई बाय 3 हम लिख सकते हैं, sec पाई बाय 3 ये हमने लिख लिया। sec x इक्वल टू 2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो sec 60 लिख लिया, अगर इसको पाई में चेंज किया तो sec पाई बाय 3 हो गया। अब हम देखते हैं कि sec 2 पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिलेगा, sec की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कि हमारा ये पाई बाई 3 हो गई वैल्यू, और नेक्स्ट मिलेगी हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है देखो फोर्थ ये आता है 2π - θ में, और ये थर्ड क्वाड्रेंट आता है पाई प्लस थीटा में, और ये आपका आता है पाई माइनस थीटा में, और इसमें जो वैल्यू आएगी वही होगी थीटा की। तो ये हमारी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसे लिख सकते हैं sec पाई माइनस 2π - θ, यानी 2π - θ मीन्स पाई बाई 3 sec, इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम 3 आएगा, तो 3 × 6π - π तो इक्वल टू ये हो जाएगा sec 5π/3 sec 5π/3। अब देखो वैल्यू हमारी आ गई पाई बाई 3 और 5π/3, तो हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर, एक तो पाई बाई 3 हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5π/3। तो ये दो सॉल्यूशन आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए पाई बाई 3 और 5π/3। अब देखते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए, जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन में हम लिखते हैं से, अब तुम sec x में जनरल सॉल्यूशन का हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा, हमने cos x में देखा है, तो sec को हम cos में चेंज कर लेंगे। तो sec x इक्वल टू होता है 2, sec x को हम लिख सकते हैं 1/cos x इक्वल टू 2। अब cos मल्टीप्लीकेशन करें तो 2 cos x इक्वल टू हो जाएगा 1, या cos x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब cos के किस एंगल की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आपको मालूम है कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/cos x = cos 60 cos x = इसे हम लिख सकते हैं पाई में चेंज करेंगे तो π/3 cos π/3। अब हम देखेंगे कि हमारे फॉर्मूले में किस फॉर्मूले से टैली करता है, तो ये है cos x इक्वल टू, तो यहाँ हम लिख सकते वी नो दैट इफ cos x इक्वल टू cos y, अगर cos x इक्वल टू cos y होता है तो जनरल फॉर्मूला इसका होता है x इक्वल टू टेन x इक्वल टू 2n π + -π, 2n π + -π। तो अब यहाँ देखो cos x तो क्या लिखेंगे इसके लिए, x की जगह x ही है x इक्वल टू 2n
पाई और पाई की जगह आएगा हमारा पाई बाई थ्री प्लस माइनस पाई बाई थ्री। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, जहाँ पर एन आपका बिलोंग करेगा जेड को। नोटेड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कॉट एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री। तो सबसे पहले तो ये देखो कि रूट थ्री कॉट के किस एंगल की वैल्यू होती है, तो रूट थ्री कॉट के 30 डिग्री की वैल्यू होती है। बी नो दैट कॉट 30 इक्वल टू रूट थ्री, या कॉट 30 को लिखेंगे हम कॉट पाई बाई सिक्स इक्वल टू रूट थ्री। तो यहाँ मतलब ये हुआ कि रूट थ्री वैल्यू होगी कॉट पाई बाई सिक्स की, रूट थ्री वैल्यू होगी कॉट पाई बाई सिक्स की। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाई सिक्स कॉट पाई बाई सिक्स। तो कॉट एक्स इक्वल टू, अब हमें देखना ये है कि कॉट की निगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ हमें मिलेगी। तो कॉट की निगेटिव वैल्यू हमें फर्स्ट में और इसमें तो प्लस मिलती है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट हमें निगेटिव मिलेगा। तो सेकंड में होता है पाई माइनस थीटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइन ये हो जाएगा कॉट पाई माइनस थीटा का मतलब कॉट पाई माइनस पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स। और दूसरा हमें ये मिलता है कहाँ पर, फोर्थ में, तो टू पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट पाई टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स इक्वल टू, यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कॉट सिक्स एलसीएम आ गया, यानी सिक्स पाई माइनस पाई बाई सिक्स। और यहाँ जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कॉट एलसीएम आ गया सिक्स, तो ट्वेल्व पाई माइनस पाई बाई सिक्स। तो ये आती है वैल्यू आपकी सिक्स पाई में से पाई गया फाइव पाई बाई सिक्स कॉट फाइव पाई बाई सिक्स और कॉट इलेवन ट्वेल्व पाई में से पाई जाएगा इलेवन पाई बाई सिक्स। तो इस तरह से ये दो वैल्यू आपको फाइंड होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ हेल्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इक्वेशन आर क्या होंगे, प्रिंसिपल वैल्यू आपकी हो जाएगी फाइव पाई बाई सिक्स और इलेवन पाई बाई सिक्स। ये आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होंगी इक्वेशन की। इसके बाद हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में हम देखे हैं तो जनरल सॉल्यूशन इसका होगा इस तरह से, जनरल सॉल्यूशन के लिए देखते हैं हमारा था कॉट एक्स इक्वल टू कोई भी ले लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू में से, हमें ले लिया कॉट पाई बाई फाइव पाई बाई सिक्स कॉट एक्स इक्वल टू कॉट फाइव पाई बाई सिक्स। अब कॉट का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था तो हम टेन वाला देखेंगे, टेन में कैसे कर सकते हैं इनको, अगर हम वन अपॉन करके दोनों को करेंगे तो ये टेन में सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि टेन एक्स
इंटू टेन फाई पाई बाई सिक्स। अब आपको ये फॉर्मूला दिखेगा टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई के फॉर्म में, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट इफ टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई देन एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। एक्स इक्वल टू हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स ही है और वाई की जगह फाइव पाई बाई सिक्स है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस फाइव पाई बाई सिक्स और एन बिलोंग करता है जेड को। हर जगह ये तो आपको कंसीडर करना होगा कि एन बिलोंग करता है जेड को, इंटीजर को। तो ये आपकी जनरल वैल्यू आ गई एन पाई प्लस माइनस फाइव पाई बाई सिक्स। थैंक यू, नोटेड।